brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ना तो दुष्यंत चौटाला, चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने पार्टी छोड़ी, वो शायद भूले हुए कि उनने हमें पार्टी से निष्कासित, ऐसी शायद उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रही होगी जिनमें वो हमें याद ना करते हो। उनको हमारे संगठन की चिंता छोड़कर अपने संगठन की चिंता कर लेनी थी। आज तो आखिरी नवरात्रा भी हो गया। लोकसभा सीटों पर कब तक उम्मीदवार उतारने वाला? पार्टी ने 5 लोकसभा के उम्मीदवार कल घोषित करे हैं और आगे बची 5 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करे। और मैं मानता हूँ कि हमारे 5 उम्मीदवार, चाहे वो युवा हो चाहे वो महिला हो, जो मार्डर्न पार्टी रखना चाह रही थी उनको पूर्ण भी करते हैं और भविष्य में हरियाणा की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में गूंजने का दम भी रखते हैं। आज गूंगे बहरे सांसदों को चुनकर तो लोगों ने भेजा है, मगर उनने प्रदेश को कभी मुख्य धारा में आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज हमारा टारगेट यही है कि साथियों को, ऐसों को हरियाणा प्रदेश चुनकर मैदान में लोकसभा में भेजे, जो फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन को पूरा पार्लियामेंट में कर पाए, हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में जगह दे। सर में छोटे जिस तरह शहर में छोटे परिवार चल रहे हैं, तो बहुत हरियाणा में बहुत स्थानों से बहुत भारी नशा पकड़ा जा रहा है। देखो ये चीज़ तो मेरे भी संज्ञान में कई जगह आई है कि पिछले 15 दिनों में हरियाणा प्रदेश में 2 नंबर की दारू भी बहुत आई है। जिस चीज़ पर 4.5 साल हमने सख्ती रखी, कहीं ना कहीं आज उन लोगों को जगह मिल रही है। और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, कि वो उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पा रहे। अब तो सीसीटीवी कैमरास और ये सारी फैसिलिटेशन के बाद भी अगर इस तरह का नशा 2 नंबर का बाहर चल रहा है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर तस्करों के साथ ही कार्रवाई कर। कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा क्या, ऐसी चर्चा चल रही है? इसका तो कोई चांस भी नहीं। जब हमने अपनी टिकटें घोषित कर दी, 10 की 10 सीटों पर लड़ने का निर्णय कर लिया, तो किसके साथ अलायंस पे चर्चा करने का विषय बनता ही। सर, हिसार में चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार हैं, इस तरह देखते हो? देखो, चुनाव पार्टियां लड़ती और पार्टियां अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़वाती हैं। मैं ये मानता हूँ, हमने बादल फैमिली भी आमने सामने लड़ती देखी, यादव फैमिली भी लड़ती देखी, पवार फैमिली भी लड़ रही है। फैमिली से जरूरी है जनमत का विश्वास, और जनमत के विश्वास से चुनकर जनता की आवाज़ बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण यही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि बीजेपी जिस तरह मैदान में है, एक भी सीट जीते नहीं जीतेगी। चलो, कौन किसका भविष्य बता सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी थी जो 75 पार का नारा देती थी, और उन्हें 4.5 साल हमारी जरूरत पड़ी प्रदेश में सरकार चलाने के लिए। आज वो कहते हम एक नहीं जीत सकते, वो तो जब भी कहते थे हम एक नहीं जीत सकते, 10 विधायक जिता कर लाए। और आने वाले भविष्य के अंदर भी आप देखें, हमारे सांसद भी जीतेंगे, हमारे विधायक भी। सर, अभय जी लगातार आपकी पार्टी पर और आप पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं कि पार्टी छोड़कर बड़ी गलती है उन्होंने की है, युवाओं का इग्नोर। ना तो दुष्यंत चौटाला, चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने पार्टी छोड़ी, वो शायद भूले हुए कि उनने हमें पार्टी से निष्कासित किया। दूसरी चीज, आज 5.5 साल हो गए, ऐसी शायद उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रही होगी जिनमें वो हमें याद ना करते हो। उनको हमारे संगठन की चिंता छोड़कर अपने संगठन की चिंता कर लेनी थी। आज तो आखिरी नवरात्रा भी हो गया। ना कांग्रेस सीटें दे पाई, ना इनेलो टिकटें दे पाई। ये दिखता है कि उनका अंदरूनी संगठन कितना कमज़ोर है और कांग्रेस की अंतर्कलह कितनी ज़्यादा है कि आज उनको उम्मीदवार घोषित करने में कितना कष्ट आ रहा है। सर, जो बाकी जो सीटें बची हैं जननायक जनता पार्टी की, वो कब तक उम्मीद है उनको उनसे उम्मीदवार हैं? जल्द बाकी सीटें भी हम घोषित करेंगे बैठक करके। प्रदेश में लगातार आपका विरोध हो रहा है, उसको किस तरह देखते हैं?
मेरा तो एक बार विरोध हुआ था और वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे और गिले शिकवे थे, मिलकर दूर भी कर लिए। मैंने तो कहीं विरोध नहीं और देखा, और विरोध भी उसी का होगा जो मजबूत होगा, वो देगा तो विरोध भी नहीं करेगा बीजेपी के नेता। और दूसरा, विरोध करने वाले भी हमारे हैं, वही हमारे इलेक्ट्रोल है, वही वोट देते हैं, उन्हीं के बदौलत हम चुनाव जीतते हैं। किसी के मन में कोई गिला शिकवा है तो हम दूर करेंगे। सर, विधानसभा में अगर आप बहुमत के आसपास होते हो या फिर बहुमत से नीचे रह जाते हो, क्या आप दोबारा से भारतीय जनता पार्टी? पहले लोकसभा तो होने दो। आप लोकसभा की चिंता ना करके विधानसभा की करने लग गए अभी से। आज तो हम अपने सांसद चुनकर भेजेंगे जो हरियाणा की आवाज बनकर चुनाव लड़े। सर, सुरजेवाला की पर जिस प्रकार से प्रचार पर रोक लगा दिया गया है, मामाली को जो उनने टिप्पणी करी आपत्तिजनक थी, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई। कांग्रेस के नेता अक्सर ये बोलते हैं कि सबकी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि सबकी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा? बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कांग्रेस तो हमेशा चाहेगी कि जेजेपी कमजोर पड़े, और ये आपने देख लिया होगा, चाहे दिग्विजय सिंह का विरोध हुआ, चाहे डॉक्टर अजय सिंह का विरोध हुआ। विरोध करने वाले कौन थे? कांग्रेस ही थे। तो उनके तो मन में एक ही टारगेट है कि हमें कमजोर किया जाए। हम विचलित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अब तक एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई है कांग्रेस। ये उनकी कमजोरी दिखती है कि हरियाणा के अंदर वो एक उम्मीदवार भी फाइनल नहीं करता।